पतंजलि एलोवेरा जेल यूज कर रही हूँ। इसे लगाने के बाद मेरा फेस इंस्टेंट ग्लो भी होगा और आज ब्राइडल मेकअप है तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो ये मेरी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हेल्प करेगा। उसके बाद मैं निविया की एंटी एजिंग मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज कर रही हूँ। ये मेरी स्किन को ऑल डे हाइड्रेटेड रखेगा। अब मैं आईब्रो फिल करने के लिए आज रिमी लंडन की प्रोफेशनल आईब्रो पेंसिल यूज कर रही हूँ जिसका शेड नंबर है 002 हेजल। सबसे पहले हम आईब्रो के हेयर्स कॉम कर लेंगे, उसके बाद उसे फिल करेंगे और फाइनली हम एक बार फिर से उसे कॉम करेंगे जिससे हमारी आईब्रो अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद हम आईब्रो के साइड वाले एरिया को कंसीलर यूज करेंगे क्लीन करने के लिए। तो आज मैं पीवाइस पैड से ये शेड यूज कर रही हूँ। अब फ्लैट शेडर ब्रश की हेल्प से मैं मेरे आईब्रो एयर के साइड वाली एरिया अच्छे से क्लीन करूँगी जिससे हमारा आईब्रो को एक अच्छी डेफिनेशन मिलती है। और मैं सेम कंसीलर यूज करूँगी मेरे आईलेट पे और उसके बाद ये क्रीज करें उससे पहले हम लॉरियल ट्रू मैच सुपर ब्लेंडेबल कॉम्पैक्ट पाउडर से उसे सेट कर लेंगे। अब मैं ये टेप लगा रही हूँ जिससे हमारा आई वर्क अच्छे से होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं 15 आई शैडो पैड से ये शेड यूज कर रही हूँ और ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से उसे मैं ऑटो क्रीज एरिया पे लगाऊंगी। आई शैडो की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए मैं ये शेड यूज कर रही हूँ अगेन 15 आई शैडो पैड से और उसे भी मैं मेरे आउटर क्रीज एरिया पे ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं ब्लेंड कर लूँगी। और फाइनली मैं ये रेडिश ब्राउन कलर यूज करूँगी अगेन सेम पैलेट से और सेकंड ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से मैं आउटर क्रीज एरिया पे ब्लेंड करूँगी जिससे हमारा आउटर क्रीज एरिया का शेड परफेक्ट होगा और ये ट्रांजेक्शन शेड के जैसे भी एक्ट होगा। उसके बाद मैं पीवाइस पैड से ये चॉकलेटी ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ और सॉफ्ट डिफाइनर ब्रश के हेल्प से हमें इसे आउटर व्यू में प्लेस करूँगी और उसे हम अंदर की तरफ खींचते जाएंगे और सेम इसी तरह उसे हम ब्लेंड करना है और इस शेड को हमें क्रीज लाइन के ऊपर लेके नहीं जाना है। उसके बाद मैं सेम आईशैडो पैलेट से ब्लैक कलर यूज कर रही हूँ और पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैं मेरे आउटर व्यू में प्लेस करूँगी और उसे भी मैं अंदर की तरफ उसे खींचते जाऊँगी और सेम उसे वैसे ही ब्लेंड करना है। उसके बाद हम एक प्लेन ब्लेंडिंग ब्रश लेंगे और सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद मैं पीवाइस पैड से ये शेड यूज कर रही हूँ कंसीलर का और फ्लैट शेडर ब्रश के हेल्प से मेरे आईलेट पे मैं हाफ कट क्रीज बना रही हूँ। सबसे पहले हम उसे अच्छे से उसकी एज ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद हम उसे नीचे की तरफ खींचते जाएंगे और जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम ये क्रीज करें उससे पहले हम अगेन सेम कॉम्पैक्ट पाउडर के हेल्प से मैं सेट कर लूँगी। अब मैं पीवाइस पैड से ये गोल्डन शेड यूज़ कर रही हूँ और फिंगर की हेल्प से मैं आईलेट पे लगाऊंगी, जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर यूज़ किया था उसी जगह पे लगाऊंगी। उसके बाद मैं हैंग फैंग का ग्लिटर आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं कट क्रीज की एज ड्रॉ कर लूँगी जिससे हमारा आई वर्क परफेक्ट हो और उसके बाद हम पूरा हाफ कट क्रीज फिल कर लेंगे इस ग्लिटर की हेल्प से जिससे हमारा आई शैडो बहुत अच्छा शिमरी दिखेगा। उसके बाद में विंग लाइनर बनाने के लिए आज मेबेलिन का आई स्टूडियो जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ। ये ब्लैकेस्ट ब्लैक है और आज मैं मोटा आईलाइनर नहीं लगाऊंगी। उसके बाद वेगा आईलैश कलर से मेरे आईलैशेस में कल कर लूंगी और उसके बाद अपर आईलैशेस के लिए मैं आज मेबेलिन का द फॉल्स वॉल्यूम एक्सप्रेस वाटरप्रूफ मस्कारा यूज कर रही हूँ। ये मस्कारा परफेक्ट है ब्राइडल के लिए। आप जितना भी रोना हो रो लो, ये आपका मेकअप बिल्कुल भी खराब नहीं करेगा। और मैंने ऑफ कैमरा फॉल्सेस लगा ली है और जो भी मेरी आंखों के नीचे फॉल आउट हुआ है वो मैं बेबी वाइप्स के हेल्प से उसे क्लीन कर लूंगी। अब मैं मेरे फेस को प्राइम करने के लिए आज मेबेलिन बेबी स्किन इंस्टेंट पोर इरेजर प्राइमर यूज कर रही हूँ। ये प्राइमर मैजिक के जैसे वर्क करता है, आपके पोर्स ये बहुत इजीली इरेज कर देता है और आपका मेकअप बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस दिखता है। उसके बाद मैं ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। इसके लिए मैं आज येले प्रोगल ESD कंसीलर यूज़ कर रही हूँ।
इसे मैं मेरे स्किन पे जहाँ जहाँ ब्लैक स्पॉट है और मेरे आंखों के नीचे डार्क सर्कल है सिर्फ उसी एरिया पे लगाऊंगी और मेरे फिंगर के हेल्प से मैं उसे अच्छे से ब्लेंड करूंगी। और उसके बाद में सेम लॉरियल का ट्रूमैक्स सुपर ब्लेंडेबल कॉम्पैक्ट पाउडर से उसे सेट कर लूंगी जिससे वो क्रीज बिल्कुल भी नहीं होगा। फाउंडेशन के लिए मैं आज मैक स्टूडियो फिक्स फ्लोर SPF 50 फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ जिसका शेड नंबर है NC37। इसे मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मेरे फेस पे लगाऊंगी और उसी से मैं ब्लेंड करूंगी। आज मैंने कलर करेक्शन किया है तो इसलिए मैं फाउंडेशन लगाने के लिए ब्रश यूज़ नहीं कर सकती। अगर मैंने ब्रश यूज़ किया तो मेरा बेस जहाँ मैंने कलर करेक्शन किया है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और फिर हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये फाउंडेशन थोड़ा एक्सपेंसिव है बट फुल कवरेज है और ये परफेक्ट है ब्राइडल के लिए। अब मैं मेबलिन फिट मी कंसीलर यूज़ कर रही हूँ जिसका शेड नंबर है 15 फेयर क्लियर। ये कंसीलर बहुत लाइट वेट है और इजीली ब्लेंड भी हो जाता है और इसका मैट फिनिशिंग लुक भी बहुत अच्छा है। इसे मैं मेरे आँखों के नीचे फोरहेड नोज क्यूपिड एरिया पे लगाऊंगी और उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। कंसीलर को सेट करने के लिए मैं आज निक्स ESD स्टूडियो फोटोजेनिक्स फिनिशिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ये लूज पाउडर है तो थोड़े टाइम के लिए ये थोड़ा वियर दिखेगा बट जब ये सेट हो जाएगा तब हमारे फेस पे परफेक्ट दिखने वाला है। उसके बाद फेस ब्रॉन्ज करने के लिए मैं विवाइस पैड से ये शेड यूज़ कर रही हूँ और इसे मैं चिक्स फोरहेड ब्रिज ऑफ नोज और जो लाइन पे लगाऊंगी। और उसके बाद मैं ब्लश के लिए ये शेड यूज़ कर रही हूँ अगेन विवाइस पैड से और इसे मैं ब्लश ब्रश के हेल्प से मेरे चिक्स पे अच्छे से लगा लूँगी। उसके बाद काजल के लिए मैं इसेंस की लॉन्ग लास्टिंग काजल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ जिसका शेड नंबर है 01 ब्लैक फीवर। उसके बाद मैं ये शेड यूज़ कर रही हूँ 15 आई शैडो पैड से और इसे मैं मेरे लोअर आई लैश लाइन पे स्मज करूँगी। और उसके बाद मैं ये ब्लैक कलर यूज़ कर रही हूँ बीवाइस पैड से और उसे मैं पेंसिल ब्रश के हेल्प से मेरे आँखों के नीचे स्मज कर लूँगी। अब मैं फिर से हैंग फैंग ग्लिटर आई लाइनर यूज़ कर रही हूँ मेरे लोअर वाटर लाइन के लिए। इसे मैं सिर्फ मेरे 1/3 एरिया पर लगाऊँगी और मेरे लोअर आई लैशेज के लिए मैं अगेन सेम मस्कारा यूज़ करूँगी मेबलिन का। और उसके बाद मैं मेरे मेकअप को सेट करने के लिए आज येले प्रोगल SD हाई डेफिनेशन सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ जिससे मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। अब मैंने जहाँ जहाँ लूज पाउडर यूज़ किया था उसे मैं मेरे फेस पर से निकाल लूँगी और वो अभी मेरे फेस पर अच्छे से सेट भी हो गया है। उसके बाद मैं रेवलॉन की हाइलाइटिंग स्टिक यूज़ कर रही हूँ और उसे मैं मेरे नोज़ चिकबोन फोरहेड और क्यूपिड एरिया पे लगाऊंगी और उसके बाद फिंगर के हेल्प से उसे अच्छे से सेट कर लूँगी। और लिप्स के लिए मैं आज इसेंस का लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ जिसका शेड नंबर है 15 फेमी फेटल। और मेरे लिपस्टिक के लिए मैं आज OXS की बरगंडी शेड की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलना और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।